अपहरण से जुड़े एक मामले में बिहार सरकार के जिस मंत्री कार्तिक कुमार पर वारंट था और जो बिहार सरकार के विधि मंत्री थे, आज उनका विभाग बदल दिया गया। लेकिन नीतीश जी, आप इतने कमजोर हो गए, आप इतने दबाव में हैं लालू यादव के कि आप कार्तिक कुमार को बर्खास्त नहीं कर पाए। आपने बड़ी मुश्किल से उसका विभाग बदल दिया। फिर अब सरकार नीतीश जी के दबाव में नहीं बल्कि लालू के दबाव में। लालू जो फैसला करेंगे उसका पालन करना पड़ेगा और उसको बर्खास्त नहीं कर पाते केवल उसके विभाग को बदल दिया गया। मुझे तरस आती है नीतीश जी आपके ऊपर दया आती है। नमस्कार, पोस्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सना रहमान। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार अपने मंत्रियों को आरोपों से बचाने के लिए भले ही अब फैसला करते हुए नजर आ रहे। दरअसल जब से बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है तब से आरजेडी के कई मंत्रियों पर कई बड़े आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे। इसी बीच जो सबसे बड़ा आरोप लगा बिहार के कानून मंत्री रहे कार्तिक सिंह पर अपहरण का मामला भी चल रहा था, जिसको लेकर के विपक्ष ने भी काफी निशाना साधा और काफी गंभीर आरोप कार्तिक सिंह पे लगा। वही इन तमाम चीजों से बचने के लिए आज सुबह सवेरे नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए कार्तिक सिंह को का जो विभाग है उसमें बदलाव कर दिया। बता दें कि जहां पहले कार्तिक सिंह को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, वहीं अब उनको गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया, जिसके बाद अब विपक्ष को एक और नया मौका मिल गया है निशाना साधने का। बता दें कि सुशील कुमार मोदी का इस पर बयान सामने आया। सुशील कुमार मोदी ने यह कहा है कि नीतीश कुमार के अंदर अब हिम्मत ही नहीं है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सके। दरअसल जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार अपनाया करते थे, और साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी ने उन तमाम चीजों को याद भी दिलाया कि किस तरीके से जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में हुआ करते थे तब अपने मंत्रिमंडल में किसी भी आपराधिक छवि के मंत्री को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन अब जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अब नीतीश कुमार का राज नहीं बल्कि लालू यादव का राज चल रहा, और लालू के बिना किसी फैसले को सुनाए हुए नीतीश कुमार कोई भी कदम नहीं उठा सकते। साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी ने ये कहा है कि नीतीश कुमार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे आपराधिक छवि के मंत्री को बर्खास्त कर सके। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार और कार्तिक सिंह को लेकर के कह रहे हैं। अपहरण से जुड़े एक मामले में बिहार सरकार के जिस मंत्री कार्तिक कुमार पर वारंट था और जो बिहार सरकार के विधि मंत्री थे, आज उनका विभाग बदल दिया गया। लेकिन नीतीश जी, आप इतने कमजोर हो गए, आप इतने दबाव में हैं लालू यादव के कि आप कार्तिक कुमार को बर्खास्त नहीं कर पाए। आपने बड़ी मुश्किल से उसका विभाग बदल दिया। नीतीश जी, आपको इतना कमजोर होते मैंने कभी नहीं देखा था। जब हम लोग थे तो अनेक मंत्रियों को मंत्रिमंडल से इसलिए छुट्टी कर दी गई थी क्योंकि इन पर गंभीर मामले थे, और जब तक वो दोष मुक्त होकर नहीं आए तब तक आपने उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। लेकिन अब सरकार नीतीश जी के दबाव में नहीं बल्कि लालू के दबाव में। लालू जो फैसला करेंगे उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे पर्ची कटती है तो जब तक लालू के दरबार की पर्ची नहीं कटेगी तब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि आज उस मंत्री को बर्खास्त करने के बजाय फिर उसका विभाग बदल दिया गया है। वो तो इतने दिन तक विधि मंत्री था, जो हेर फेर करना था, जो मैनेज करना उसने सारा कुछ कर लिया। एक मंत्री जिस पर, एक विधायक जिस पर वारंट था गिरफ्तारी का, वो मैनेज करके और शपथ ले लेता और आप उसको बनाए रखते हैं और उसको बर्खास्त नहीं कर पाते केवल उसके विभाग को बदल दिया गया। मुझे तरस आती है नीतीश जी आपके ऊपर दया आती है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने अब ये मुद्दा उठाया है, आज सुबह से जब से ये फैसला नीतीश कुमार का सामने आया है तब से लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर नजर आ रही है। विपक्ष की तरफ से तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। हम आपको लगातार सुना रहे हैं कि बीजेपी के किस नेताओं का क्या कहना है। इसी बीच अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि नीतीश कुमार पहले लालू प्रसाद यादव के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, और इस वक्त जो कुछ भी फैसले नीतीश मंत्रिमंडल में लिए जा रहे हैं वो तमाम फैसले जो है वो लालू प्रसाद यादव ले रहे हैं। तो एक बड़ा निशाना आप कह सकते हैं सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर साधा, और एक बड़ा बयान जो है उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कहा। हालांकि नीतीश कुमार का इस पर क्या कुछ कहना होता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से सामने आती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से जब से विभाग में फेरबदल किया गया सुबह से लगातार जो विपक्ष है वो काफी हमलावर
नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होता है कि नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या फिर बात कर ले कि जो सत्ता पक्ष के नेता है वो क्या कुछ प्रतिक्रिया इस तमाम चीजों पर देते हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर मिलती रहेंगी। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।